वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. हेलो, मैं एडवर्ड बैक, बीएससी की ओर से आज मैं आपके पास आया हूँ. आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जिसका नाम है कंजंक्शन, राइट. सो ध्यान देने वाली बात, आज हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश को किस पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं. गाइज, कभी भी इंग्लिश का क्वेश्चन आते हैं तो हम सभी सोचते हैं कि कौन सा पार्ट लिया जाए, कौन सा पार्ट नहीं लिया जाए. तो ये थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोग आज यहाँ पे कर रहे हैं और किसी एक पार्ट ऑफ स्पीचेस को पिकअप कर रहे हैं, दैट इज़ वी आर कॉलिंग कंजंक्शंस. गाइज, ये कंजंक्शन जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये सेंटेंस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आप सिर्फ दो ही शब्दों को ज्वाइन नहीं करता, कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता जिसे सिर्फ दो शब्द ही ज्वाइन होते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जिसके इंटीरियर में जाके बहुत किसी को नहीं पता होता. तो आज इसी को थोड़ा सा हम लोग एनलाइटन करेंगे और कंजंक्शन के बारे में जानेंगे. और बिफोर आई गेट स्टार्टेड, ध्यान रखिए, अगर आप नए यूज़र हैं YouTube में तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हम आपके पास पहुँच सकें और हर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड आपको दे सकें. सो गाइस, कमिंग बैक टू कंजंक्शंस, सो व्हाट इज़ अ कंजंक्शन? ये वर्ड अपने आप में आपको बता रहा होता है कि कंजंक्शन जब वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को ज्वाइन कर रहा होता है. तो मेरे दिमाग में क्या आता है, एम आई ज्वाइनिंग टू थिंग्स एज सडनली और आउट ऑफ द ब्लू? नॉट एट ऑल. देर आर थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि कंजंक्शन एक्चुअली ज्वाइन क्या करता है. तो सबसे पहले ध्यान देंगे गाइस, व्हाट दे ज्वाइन. सो बेसिकली दे ज्वाइन अ फर्स्ट थिंग, दैट इज अ क्लॉज टू अ क्लॉज. जो किसको ज्वाइन कर रहा होता है, एक क्लॉज को एक क्लॉज. आई होप आपको क्लॉजेस के बारे में, ये सारी चीज़ के बारे में पता होगा. अगर नहीं पता है तो डू हमें ज़रूर बताइए, सो दैट मैं आपको और भी रेफरेंस क्लॉजेस के बारे में बता सकूं. नेक्स्ट चीज क्या होता है, ये किसको ज्वाइन कर रहा होता है, फ्रेज टू अ फ्रेज, राइट. नाउ इनको सिंपली समझना, व्हाट इज अ क्लॉज, व्हाट इज अ फ्रेज. अगर मैं थोड़ा सा और डेप्थ में चले जाता हूं तो आप सिंपली ध्यान रखिएगा, ये ज्वाइन करता है सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को. क्या जिसको ज्वाइन कर रहा होता है, सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीचेस को. सो व्हाट आर दिस पार्ट ऑफ स्पीचेस, जैसे आपको पता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. सो क्या धारणा है हमारे को लेके कंजंक्शन के बारे में, कि कभी भी आप सेंटेंसेस में देखना शुरू करते हैं कि कोई दो चीज जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए. से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, शी इज अ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट वुमन. एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, क्या लिखा है मैंने, शी इज अ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट वुमेन. एंड ऑब्वियसली सारे को पता है कि यहां पे कंजंक्शन क्या है हमारे पास, दैट इज एंड. नाउ तो अब देखने वाली बात क्या है कि एंड जैसा कंजंक्शन क्या चीज को ज्वाइन किया है. एम आई ज्वाइनिंग टू थिंग्स, सिंपली आई एम ज्वाइनिंग स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, और क्या मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ. सो येट अगेन गाइज, अगर मैं इसको क्लॉज पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करता हूँ, तो अगर मैं सेंटेंस को अलग अलग करता हूँ तो मेरे पास दो सेंटेंस बन के आते हैं. सबसे पहला सेंटेंस बनता है, दैट इज शी इज अ स्मार्ट वुमन. राइट. एंड दूसरा सेंटेंस बनता है मेरे पास, शी इज एन इंटेलिजेंट वुमन. राइट. नाउ ये दो क्लॉजेस मैं फ्रेम करके आया हूं आपके सामने. ये दो सेंटेंसेस को जब मैं ज्वाइन कर रहा होता हूं, सो मैं बहुत सारी चीजों को कॉमन लेना शुरू करता हूं, जो यहां पे आप देख सकते हो. जैसे शी को मैंने यहां पे लिखा है, और मैं क्या देख पा रहा हूं, यहां पे भी शी है, यहां पे भी शी है. दिस टू थिंग्स आर कॉमन. येट अगेन आप देख रहे हो एक वर्ब है, दैट इज, जो यहां पे भी आपको दोनों सेंटेंसेस में कॉमन दिखाई दे रहे हैं. नेक्स्ट आते हैं, दैट इज आर्टिकल ए, दैट इज यहां पे भी आर्टिकल इनडेफिनेट ए और एन को कॉमन देखा जा सकता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वर्ड दैट इज वुमेन. राइट. नाउ यहां पे जो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्ड जो आ गए हैं, दैट इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, इजंट इट. नाउ टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ सेंटेंसेस, मैं क्या करता शुरू करता हूं, आई यूज कंजंक्शंस फॉर इट. राइट. नाउ कंजंक्शन मुझे बता रहा होता है कि आप दो चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट स्मार्ट भी यहां पे किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, एक एडजेक्टिव की तरह जो क्वालिफाई कर रहा है वुमेन को,
और यहाँ पे इंटेलिजेंट भी एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है जो क्वालिफाई कर रहा है वुमेन को, राइट? दैट मीन्स बोथ आर एडजेक्टिव, दैट मीन्स दे बोथ आर सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीचेस, राइट? तो सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीचेस जब तक नहीं होगा गाइस, तब तक हम उसको कंजंक्शन से ज्वाइन नहीं कर सकते हैं. सो इस बात का खासा ध्यान रखिए कि व्हाट आई डू व्हेन आई स्पीक अबाउट ज्वाइनिंग सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीचेस, नॉट जस्ट टू वर्ड्स, राइट? सो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला प्रोटोकॉल आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि जब भी एक कंजंक्शन ज्वाइन करता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, तो सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए, वो दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, सिमिलर होने चाहिए. दैट मीन्स स्पेसिफिकली सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, राइट? सो आई होप कि आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे दो चीज़ों को ज्वाइन किया है और रेपिटेशन ऑफ सेंटेंसेस को कम किए हैं. कम करने के दौरान मैंने जितनी चीज़ों को यहाँ पे कॉमन ले सका है मैंने कॉमन लिया है, अदरवाइज मैंने वो दो चीज़ों को ज्वाइन किया है जो अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन इनका पार्ट ऑफ स्पीचेस सेम है. दैट मीन्स दे बोथ बिलोंग टू एडजेक्टिव. सो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि वो किसको ज्वाइन कर रहा होता है, सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीचेस को, राइट? नाउ दूसरा चीज क्या है कि हम इसको कैसे देख पाते हैं. राइट? सो सबसे पहला चीज क्या है कि आपने देखा दो सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीचेस को देखे जो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं और ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं. सबसे पहला चीज, अगर मैंने दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को ज्वाइन किया है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट को मैंने ज्वाइन किया, तो दोनों ही क्या थे, ग्रामेटिकली इक्वल थे. नाउ दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है, सेकंड थॉट है ना, ये इन दो चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो कंजंक्शन में, तो आप कंजंक्शन को कैसे भी किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो. दूसरा चीज क्या है कि अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, दैट एग्जांपल इफ यू सी शी इज As good as I, right? बहुत किसी को ऐसे एरर नहीं मिल पाते हैं. रीजन भी क्या होता है कि हमने बहुत बार वर्बल इंग्लिश में सुना है कि मैं सेंटेंस अगर लिखना चाहूँगा तो वो ऐसा कुछ लिखता हूँ, She is as good as me, ठीक है? और सेंटेंस बहुत बार दिखाए पता चलता है कि ओके, मैं सोच रहा हूँ मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो यही सोचते हैं कि शी इज एज गुड एज मी इज अ करेक्ट सेंटेंस रादर सेइंग शी इज एज गुड एज आई. तो ध्यान रखिए गाइस कि ये सेंटेंस मेरे हिसाब से या इंग्लिश के हिसाब से जो हमारा कंटेम्प्रेरी इंग्लिश है उस हिसाब से ये सही है और ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. तो क्यों ये गलत हो गया? ना दूसरा चीज क्या है कि मैंने येट अगेन यहाँ पे कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है. वो कंजंक्शन क्या है, एज 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 एज, ध्यान रखिए, राइट? इससे मैं दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा होता हूँ. दैट मीन्स अगर मैं बोलना चाहता हूँ इस सेंटेंस के द्वारा, तो मैंने ज्वाइन किया दो चीज़ों को. किसको किसको ज्वाइन किया, जहाँ पे कॉमन कॉमन मैंने किसके लिए, शी इज गुड, शी इज गुड, इसको मैं येट अगेन ब्रेक कर रहा हूँ. जितना कौन अच्छा है, जितना मैं अच्छा हूँ, तो मैं भी क्या लिखता हूँ यहाँ पे, आई एम गुड, रादर देन मैं क्या लिखूंगा, मी. क्योंकि गलत हो जाए, क्योंकि मैंने मी को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केसेस केस की तरह देखा है एज इन प्रोनाउन में. लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया तो मैं साथ ही साथ उसके साथ एक वर्ब नहीं लगा सकता हूँ. दैट मीन्स मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, आई का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस को फॉलो कर रहा होता है. दैट मीन्स येट अगेन मैंने जो चीज़ों को यहाँ पे कॉमन ले सकता था वो क्या था, वर्ब, और जो एडजेक्टिव थी उसको मैं कॉमन ले सकता था, लेकिन मैं कॉमन किसको नहीं ले पाया, शी और आई को. नाउ इनके बीच में ग्रामेटिकली इक्वल चीज बात ये है कि ये दोनों ही प्रोनाउन के केसेस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. दैट मीन्स ग्रामेटिकली इक्वल होता है. लेकिन दूसरा चीज गाइस जो इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि और क्या होना चाहिए कि मी से ये ज्वाइन नहीं कर पाया. रीजन भी क्या था, मी भी एक प्रोनाउन है लेकिन शी क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, वही मी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है. तो ये ग्रामेटिकली इक्वल तो ज़रूर है लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से नहीं जोड़ सकते हैं, आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से ही जोड़ सकते हैं. ध्यान रखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीचेस को ही ज्वाइन करना है. और जब आप इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो दो चीज़ों का, मात्र दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे. सबसे पहला वो ग्रामेटिकली क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. और दूसरा चीज़ वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए. करेक्ट मतलब क्या हो जाता है,
कि अगर मैंने शी का इस्तेमाल करा है एज इन सब्जेक्टिव केस, मैं यहाँ पे अगर किसी और प्रोनाउन का इस्तेमाल करता हूँ या नाउन का इस्तेमाल करता हूँ तो वो भी अपने सब्जेक्टिव केस को ही फॉलो करना चाहिए। इसीलिए गाइस सही सेंटेंस मेरे पास जो इस वजह से बन के आता है, दैट बिकम्स शी इज एज गुड एज, अगर आप ध्यान दोगे आई एम होता है। ध्यान रखिए गाइस, अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो कंजंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। दो चीज़ों का खासा ख्याल रखिएगा। पहला जो मैंने बताया कि वो सबसे पहले ग्रामेटिकली इक्वल भी होना चाहिए, दैट इज प्रोनाउन जैसे एग्जांपल में मैंने यूज़ किया। और दूसरा चीज़ क्या, ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए, दैट मीन्स सब्जेक्ट का ज्वाइनिंग सब्जेक्ट से ही होना चाहिए, सब्जेक्ट ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट से या किसी और चीज़ों से ज्वाइन होना नहीं चाहिए, राइट? सो राइट, सो दूसरा पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज दैट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट ऑल्सो, ठीक है? सो ये दो बातों को अगर आप ख्याल रखते हो जब आप कंजंक्शन जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होगे, तो इन दो चीज़ों का खासा ध्यान रखिएगा। अगर आपको टाइम भी लगता है तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और ट्राई कीजिएगा कि सेंटेंस को जितना ब्रेक कर सकते हो क्लॉजेस बाय क्लॉजेस, फ्रेजेस बाय फ्रेजेस, उतना ज़्यादा आप इसको अच्छे से एक्वायर कर पाओगे इस नॉलेज को, राइट? सो सबसे पहले ध्यान रखिएगा वो ग्रामेटिकली सबसे पहला क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा चीज़ वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है? अगर इन दो बातों का ख्याल रख रहे हो तो आप कंजंक्शन को अच्छे से समझ पाओगे। नाउ अभी हमने देखा कि कंजंक्शन का बेसिक यूजेज क्या है, राइट? नाउ अभी हम देखना चाहेंगे कि कंजंक्शन कितने प्रकार के मेरे पास आते हैं, राइट? क्योंकि हर एक कंजंक्शन एक जैसा नहीं होता, कि कभी कभार आप किसी अलग टाइप के प्रॉब्लम से भी जा सकते हो। सो ध्यान रखिए गाइस, लेट्स सी अगला पॉइंट है ना। नाउ कितने टाइप के कंजंक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, राइट? कंजंक्शन वैसे आपने बहुत देखा होगा, एंड देखा होगा, और होगा, नाइदर वगैरह, बहुत सारे होते हैं। लेकिन इनको भी कैटेगरी वाइज में डिवाइड किया गया है सो दैट कि आप सेंटेंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओ और कंजंक्शन का बेहतर इस्तेमाल कर पाओ। कि सिंपली मैं एंड का इस्तेमाल नहीं कर लेता, सिंपली मैं बट का इस्तेमाल नहीं कर देता, सिंपली मैं आइदर और या नाइदर नॉर का इस्तेमाल नहीं करता। तो क्या होता है अगर मैं कंजंक्शन के टाइप्स को देखना शुरू करता हूँ, तो देखिएगा सबसे पहले टाइप का कंजंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट? सबसे पहला बेसिक टाइप का कंजंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कभी भी आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हो तो दो ऐसे या दो से ज़्यादा ऐसे सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे होते हो जो ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होता है, दैट मीन्स एक को दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, राइट? जैसे आपने एक सेंटेंस को देखा था, शी इज अ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट वुमेन, राइट? सो मैंने दो क्लॉजेस को जब ब्रेक किया था तो सबसे पहले आता शी इज अ स्मार्ट वुमेन और दूसरा क्लॉज बन के आया था शी इज एन इंटेलिजेंट वुमेन। अब ध्यान देखिए, ये दोनों सेंटेंसेस को अगर आप देख रहे होगे और अपनी कॉपी में लिखा होगा तो आपको पता चलेगा कि उसका स्मार्ट होना और उसका इंटेलिजेंट होने से कोई भी महत्व नहीं रखता। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों क्लॉजेस को अलग अलग कर दूं, सेंटेंस को ब्रेक कर दूं, तो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे कंजंक्शन जब आप यूज कर रहे होते हैं तो ध्यान रखिएगा दोनों के सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन एक रहता है ऑलमोस्ट, और दोनों का टेंसेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। दैट मीन्स वन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द अदर टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, रादर दे आर टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस जिनको मियरली एक ऐसे कंजंक्शन ज्वाइन किया गया है जो उसके लेंथ को सिर्फ शॉर्टन कर रहा होता है। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से स्मार्ट को हटा दूँ तो इंटेलिजेंट को फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इंटेलिजेंट को हटा दूँ तो स्मार्ट को फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखिए, सिंपल है ये सेंटेंसेस जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सबसे पहला बेसिक टाइप के उसी कंजंक्शन को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट? नाउ हम आगे जाके देखते हैं, दैट सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। राइट,
द वर्ड स्पीक फॉर इट सेल्फ दैट इज कॉल्ड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जहां पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे दो सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, वहीं पे मेरे पास दूसरा जो कंजंक्शन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन. राइट नाउ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेरे लिए क्या हेल्प करके दे रहा होता है. सबॉर्डिनेटिंग अपने आप में है कि देर विल बी अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड देर विल बी अ सबॉर्डिनेट क्लॉज. दैट मीन्स जैसा पहला क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज जैसा हरकत करता है उसके वजह से ही दूसरा क्लॉज हरकत करता है. दैट मीन्स वन इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर. और इसी कंसिस्टेंसी को हमने देखना शुरू करते हैं जब मैं सबॉर्डिनेटिंग क्लॉजेस का इस्तेमाल कर रहा होता हूँ. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको इसके लिए. दैट इज अनलेस यू वर्क हार्ड you will not succeed. ठीक है, देखिए गाइस क्या लिखा मैंने, unless you work hard you will not succeed. ध्यान रखिए यह टेकन मैंने दो क्लॉजेस को ज्वाइन किया. पहला क्लॉज है that is you work hard, दूसरा क्लॉज क्या है, you will not succeed. राइट जहां पे एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है जिसको मैंने कंजंक्शन जिस ज्वाइन किया है वो कौन सा कंजंक्शन है, अनलेस. नाउ ध्यान रखिए गेट अगेन, जब मैंने प्रीवियसली स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था वो ज्वाइन करेगा अगर कंजंक्शन तो दो सिमिलर टाइप के सेंटेंसेस को या सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीचेस को करता है. जैसे हमने यहाँ पे एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से ज्वाइन किया तो इनके बीच में कॉमन क्या रहा, क्लॉजेज हैं दोनों. राइट सो यहाँ पे मैंने कंजंक्शन का इस्तेमाल किया दैट इज अनलेस. अनलेस क्या बताया था, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सक्सेसफुल या सक्सीड नहीं करोगे. तो कब तक आप सक्सीड नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं. तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो कि सेंटेंस का मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है. राइट अगर मैं इसमें से एक सेंटेंस को सिर्फ ट्राई करता हूँ हटा देता हूँ तो सेंटेंस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट होने लगेगा. जैसे अगर मैंने इस सेंटेंस को मिटा देता हूँ यू विल सक्सीड को. So, अगर आप सेंटेंस को पढ़ते हो वापस से तो क्या लिखा है, अनलेस यू वर्क हार्ड. तो आपके जहन पे एक क्वेश्चन रहेगा कि अनलेस यू वर्क हार्ड तो क्या होगा, तो उसी के लिए मैंने दूसरा क्लॉज को बनाया कि यू विल नॉट सक्सीड. तो सिंपल सा ग्राफ है गाइज, इसको जरूर आप समझिए. ज्यादा तकलीफ दे भी नहीं है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं इसको समझना. और आप जब तक इसको जितना अच्छा से समझोगे उतने आपका आप बेहतर समझे जाओगे. सिंपली आप उनको मत देखिए कि सिंपली एंड अनलेस किसके साथ कैसे इस्तेमाल होता है. सबसे पहले आपको समझना है कि वो ज्वाइन कैसा करता है, क्या करना होता है. ठीक है, ऑलराइट गुड. और हम चलते हैं तीसरे टाइप के क्लॉज में. दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस. राइट कोरिलेटिव कंजंक्शंस अनलाइक अदर कंजंक्शंस सेम काम करता है. कि कंजंक्शन का सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या है, सिमिलर चीज़ों को ज्वाइन करना. कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी वैसे ही होते हैं लेकिन ये इस बार पेयर में आते हैं. पेयर में एज इन आइदर और, नाइदर नॉर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. जितने भी है ऑल दो येट, ये सारे जितने भी आपके पास कंजंक्शन है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन. ऐसे कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं जो इंटरडिपेंडेंट हो रहे होते हैं. राइट नाउ इसी से रिलेटेड बहुत सारे हैं कि जब हमने कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को देखते हैं, सबॉर्डिनेटिव कंजंक्शन या कोरिलेटिव कंजंक्शन, इनका मूल चीज़ है कि ये हमेशा दो चीज़ों को ऐसे ज्वाइन करते हैं जो ग्रामेटिकली इक्वल हो और ग्रामेटिकली करेक्ट हो. राइट सो इसको ज़रा ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिए कि सबसे पहला आप इस चीज़ को समझ पाओ कि आप दो चीज़ों को जब ज्वाइन कर रहे हो तो क्या वो सिमिलर है या नहीं है. दो चीज़ें सिमिलर हैं तो किस किस तरीके से होने चाहिए. तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर आप सिमिलर चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहला चीज़ है उसके बारे में वो क्लॉज टू अ क्लॉज ज्वाइन होना चाहिए, फ्रेज टू अ फ्रेज ज्वाइन होना चाहिए, सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीचेस को ज्वाइन कर रहा होना चाहिए. और अगर सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीचेस है दो चीज़ों का ख्याल रखिए गाइस, दैट इज वो ग्रामेटिकली इक्वल हो और ग्रामेटिकली करेक्ट हो. राइट सो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं. आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए. मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कंजंक्शन को, जहाँ पे हम इसको कॉमन एरर की तरह या डिफरेंट तरह से कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैनिपुलेट या इसमें ज़्यादा
आइडेंटिफाई कर पाए, राइट? सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट कंजंक्शन, राइट? सो इस चीज़ को अपने डे टू डे लाइफ पे इंग्लिश के प्रैक्टिसेस में लेके आइए और अपने प्रॉब्लम्स एरिया को देखना शुरू कीजिए और हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल में. एंड फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ लवली डे अहेड. थैंक यू.